दोस्तों आप बहुत बार देखे होंगे जब आप किसी को कॉल करते हो तो आपका कॉल जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है या फिर कॉल जो होता है वो कट हो जाता है। यहाँ पे क्योंकि सिग्नल वीक होता है इसलिए कॉल ड्रॉप हो जाता है। अब ये जो चीज़ है ये घर के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलता है, घर के बाहर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगा जिस वजह से कॉल ड्रॉप होता है। तो इस वीडियो को आप जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अपना स्वागत करता हूँ आप सभी को स्टूडेंट्स पे, आइए जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे रीजंस अलग अलग हैं जिस वजह से आपको कॉल ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। सबसे पहला रीजन ये है कि आपका स्मार्टफोन कितनी दूरी पे है एक पर्टिकुलर टावर से। और ये एक जाहिर सी बात है कि आपका सेलफोन जितनी दूरी पे रहेगा एक पर्टिकुलर टावर से तो वहाँ पे सिग्नल जो होगा वो वीक होगा, और जितना पास रहेगा सिग्नल वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होगा। सिर्फ यहाँ पे सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में ही मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ लाइन ऑफ साइट के बारे में तो लाइन ऑफ साइट भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माउंटेन टॉप पे हो, मतलब कहीं पहाड़ी इलाके में हो, तो अगर आप ऊंचाई पे हो तो वहाँ पे सिग्नल जो होगा वो स्ट्रांग होगा क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल नहीं होगा। अगर आप फ्लैट सर्फेस में होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उस वजह से आपको सिग्नल स्ट्रेंथ में कमी देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे नेक्स्ट चीज मैं आपको बता देता हूँ वो है बरसात। अब बरसात का मतलब क्या है, देखिए अगर बारिश हो रही है तो वहाँ पे पानी तो जरूर गिरेगा। अब पानी गिरने से क्या होगा, देखिए अगर मैं आपको फोन के बारे में बताऊँ तो वहाँ पे रेडियो सिग्नल्स एमिट होते हैं और रेडियो सिग्नल्स जाते हैं टावर के पास, तो वहाँ पे हवा जो है हवा एक रुकावट नहीं बनती है। लेकिन अगर मैं आपको पानी के बारे में बताऊँ तो पानी एक रुकावट बन जाता है सिग्नल को, अगर हम देखेंगे रेडियो सिग्नल को अगर हम देखेंगे, क्योंकि वो सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं वो सिग्नल्स जो होते हैं। तो इसलिए बरसात भी कहीं तक एक रुकावट या फिर एक ऑब्स्टिकल प्ले करती है। अगर मैं आपको स्नो के बारे में बताऊं, हेल स्टॉर्म के बारे में बताऊं, वो भी एक रुकावट बनते हैं, लेकिन वहां पे वाटर इतने ज्यादा मौजूद नहीं होते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर को भी हमको देखना होगा क्योंकि टेम्परेचर अगर वार्मर एयर है, अगर हवा जो है थोड़ा सा अगर वहाँ पे गर्म है तो वहाँ पे वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वाटर मौजूद होते हैं तो वाटर के अंदर रेडियो वेव्स इतनी अच्छी तरीके से पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वो है कंजेशन। कंजेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, अगर एक ही टावर वहाँ पे है, बहुत सारे लोग अगर उस टावर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे सिग्नल ड्रॉप आपको के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप देखोगे जहां पे densely populated area है, तो वहां पे अलग-अलग towers होते हैं ताकि एक particular tower के आसपास जो भी लोग हैं तो उस particular tower के साथ वो जुड़ेंगे और उस tower के range को कम किया जाता है ताकि उस tower के आसपास जो भी लोग हैं वही उसके साथ कनेक्ट करेंगे, बाकी अलग जगह पे जो लोग हैं वो अलग टावर के साथ कनेक्ट करेंगे। अगर मैं आपको अलग जगह के बारे में बताऊं जहां पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे टावर्स कम होते हैं लेकिन रेंज को बढ़ाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस टावर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं वो है डैमेज्ड फोन। डैमेज्ड फोन का मतलब ये होता है कि देखिए आपको लग रहा होगा कि सिग्नल ड्रॉप जो होता है वो सिर्फ टावर की वजह से ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपके फोन में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका फोन जो है वो डैमेज हो चुका है, हाथ से गिर चुका है, अगर एंटीना जो है एंटीना में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है तो वहां पे कॉल ड्रॉप आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया है, रोमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट भी यहाँ पे एक होता है, उसको भी अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो उस वजह से भी आपको सिग्नल में कमी देखने के लिए मिलती है। तो इसलिए ये सब कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि हम सोचते हैं कि जो बार होता है ना जो फोन के ऊपर जो सिग्नल स्ट्रेंथ हमको दिखाता है तो हम उसको बहुत ज्यादा जज कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे एक्यूरेसी हमेशा सही नहीं होती है, फोन को लेकर वहाँ पे एक्यूरेसी अलग अलग होती है, अलग अलग फोन्स में आपको अलग अलग बार्स देखने के लिए मिलेंगे। तो इसलिए हमको हमेशा उस बार को देखकर जज नहीं करना है। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन आपको हमेशा यही रहेगी कि आप जो सिग्नल स्ट्रेंथ हो उसको एक नंबर के जरिए रिप्रेजेंट करिए, मतलब कि यहाँ पे देखिए वो जो सिग्नल स्ट्रेंथ होता है वहाँ पे एक नंबर होता है, वो होता है डीबीएम में मेजर किया जाता है, मतलब डेसीबल मिलीवाट में वो मेजर किया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर में एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी जिसका नाम है नेटवर्क सेल इन्फोलाइट। अब उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर दीजिए, आपने एक बार इंस्टॉल कर दिया है तो वहाँ पे आप देखोगे वो आपको मेजर करके दिखाएगा एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो वो जो वैल्यू है वो वैल्यू होनी चाहिए -30 से -120 के बीच, और वो वैल्यू जितना क्लोज होगी जीरो की ओर उतना ही स्ट्रांग होगा आपका सिग्नल स्ट्रेंथ। और अगर आपका सिग्नल जो होता है वो स्ट्रेंथ होगा, मतलब स्ट्रांग अगर है वहां पे, तो वो वैल्यू लगभग -50 dBm के आसपास होगा। तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके भी एग्जैक्ट आप चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट सिग्नल स्ट्रेंथ कितना आ रहा है। तो यही कुछ ऐसे रीजंस है जिस वजह से आपका जो फोन होता है उसमें आपको कॉल ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। अब कॉल ड्रॉप को कैसे आपको दूर करना है, कैसे आप बूस्ट कर सकते हो सिग्नल स्ट्रेंथ को, इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप चेक कर सकते हो।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है सेलफोन सिग्नल को लेकर। अगर ये वीडियो मेरा आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपने मेरे ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप जुड़े रहें चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोज़ लाता रहूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।